दर्शकों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मैं मेनका न्यू कहकर अपनी संस्कृति, अपनी तीज, अपने त्यौहार कहीं ना कहीं खोते जा रहे हैं। उन्हीं तीज त्योहारों को जागरूक करने का काम किया है हमारी बहुत ही माननीय है सुलेखा दलाल जी ने, जो कि बहादुरगढ़ क्षेत्र से समाज सेविका है और बढ़ चढ़ के सामाजिक जो कार्य है उनमें भाग लेती हैं और उसका जीता जागता उदाहरण आप मेरे पीछे भीड़ देख सकते हो। मतलब मैं ये कहूँगी कि ये भीड़ 50 गुना कम है। सुलेखा जी बेहोश होगी, इतनी भीड़ थी, इतना प्यार प्रेम, एक से एक सांस्कृतिक वेशभूषा आज यहाँ पे दिखाई दी है। लोग बोलते हैं कि तीज त्योहार खो गए हैं, लेकिन आज वो उदाहरण, वो कहावत झूठी साबित हुई है। क्या कहना चाहोगे सुलेखा जी? मैं सबसे पहले आप सबके इस चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को जय बाबा की, जय माता की। और आप सबके लाडली सुलेखा दलाल ने छोटा सा प्रयास किया है, ये तो जी ये मेरा छोटा सा प्रयास है। जैसा कि एक बहन ने अभी बताया कि अभी तो मैंने खाली सु शब्द बोला है, जिस दिन उसको पूरा कर दूंगी उस दिन तो पता नहीं क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी एक सांस के साथ आई है ये बहने, जबकि पूरा न्योता तो वह अच्छे तरीके से गया भी नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ मैसेज के थ्रू गया है। पर्सनली फोन तो बहुत कम, बहुत रेयर जो मेरे रिश्तेदार उनको गया था। बाकी ये जो प्यार देख रहे हो, ये केवल और केवल मेरी सांस से, मेरे दिल से, दिल के जो तार जुड़े हुए हैं, ये वो प्यार आप देख रहे हो। मैडम ये बोलते हैं ना कि मतलब तीज त्योहार कहीं गुम हो गए हैं, और आज ये गैदरिंग थी, बोला आज औरतें दिखती नहीं इकट्ठी कहीं भी, क्या कहना चाहोगे? मैं इसी चीज को झूठा साबित करना चाहती थी कि जो कह रहे हैं ना कि औरत औरत की दुश्मन, और ये वे औरत है जिनने मेरे मैं फर्श से अर्श पे लिया दी, और इसी अर्श पे लिया दी मैंने एक बार फिर तक कसम खा ली, ईद त्योहार मनेगा तो अपने बहादुरगढ़ में न्यू त्योहार मनेगा, आगे कोशिश करेंगे पूरे देश में न्यू त्योहार मनावेंगे, और ये मेरा वादा है, ये मेरा वादा है। और मैं पूरे आपके चैनल के थ्रू पूरे देशवासियों को, उन भाइयों तक संदेशा दूंगी जिन बहना में थोड़ी सी भी कला है उन्हें दबाइयों मना काट दो। मेरी 40 साल में लकड़ी है के बरा कोई इसी एर न्यू चले जाएगी, न्यू मत सोचो, लेकिन मैं वादा करती हूँ अगर कला हर निकालोगे ना तो एक दिन एक सुलेखा मरेगी तो लाख सुलेखा तैयार हो जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। मैडम आज यूट्यूब पर भी बहुत देखने को मिले हैं, एक से एक यूट्यूब, क्या कहना चाहोगे? मतलब अम्बाड़ा दूर दूर से बोलते, कैथल पता नहीं कहाँ कहाँ से, मतलब ये इतना प्यार एकदम, मतलब कैसे? ये मैं 2.5-3 साल पहले YouTube पर ही आई थी जी। ये मेरा YouTube का ही प्यार है जी। कोई कहता था सोशल मीडिया मेरी जान है जी। और मैं उस सोशल मीडिया की वो ताकत बन के दिखाऊंगी, मैं वो मुकाम हासिल करके दिखाऊंगी जो आज तक हमारी किसी बहन ने नहीं किया होगा। और मैं एक जब मैं वो मुकाम हासिल कर लूंगी उसके बाद लाखों बहनों को वो मुकाम हासिल करवा के मानूंगी, ये मेरा वादा है। बिल्कुल, मैं आज इंडिपेंडेंट हो गई लेडी। और मैडम एक सुलेखा अगर बोलते हैं ना तो यहाँ 10 मतलब जयकारे गूंजते हैं, एक लेडीज अगर आगे बढ़ती है तो 10 सीखती हैं, तो इससे कितना प्रयास लगता है कि मतलब हमारे समाज में क्या मैसेज जाए? ये इतने दूर दूर से आई है, ये वो समाज की वो ताकत है, ये अपने आप ही पहुँचा देगी। और अब मुझे नहीं लग रहा ये किसी भी फील्ड में बहने पीछे रहने वाली हैं, अब तो ये एक के साथ 5 फ्री 10 फ्री लेके आई हैं, अगली बार इन्होंने वादा किया है एक के साथ हजारों बहनों को फ्री लेके आएंगी। मैडम ये व्यवस्था है सिर्फ झूल की नहीं है, सिर्फ नाच गाने की नहीं, खाने की भी भरपूर व्यवस्था की गई है, वो बाबा का भंडारा है। ये क्या करना चाहिए? अपनी खुद की व्यवस्था है, समाज का मतलब अपने जो आस पास का सबका योगदान है। देखो मैं जो एक छोटी सी कहावत है कि मैं यहाँ पे बीच में पैसे दे ले को मैं बीच में नहीं लेके आऊंगी, क्योंकि ये वो मायने नहीं रखता, इस प्यार की ताकत के आगे मैं नहीं मानती। एक बार तो लक्ष्मी जी भी हार मान जाएंगी कि एक बार तो लक्ष्मी जी भी यूं कहेंगी कि बेटा इस प्यार के आगे मैं थोड़ी सी पीछे न रहूंगी। ये प्यार है, इसमें सारी बहनों का साथ है, सबका प्यार है, दूर दूर से आई है, उन्होंने मेरे एक इशारे को समझा, ये उनका प्यार और ये मेरा प्यार है। बाकी मैं वो मेरे बाबा का भंडारा है, जो बाबा ने आदेश किए यूं कह लो उनकी सवामणि लगी, उनके नाम का भंडारा हो गया, बस और कुछ नहीं है इससे ज्यादा। ये ये थी हमारे साथ बहुत ही माननीय आदर मान्य हो गया सुलेखा दलाल जी, जिन्होंने आज हमारी जो संस्कृति है उसको जागृत करने का काम किया है, और एक मैसेज पे ही कैथल, अम्बाड़ा, करनाल, झज्जर, पता नहीं राजस्थान तक से आज यहाँ महिलाएं आई और बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है।
पूरे इंडिया से, और जो खट्टर सरकार भी तीज मनाने जा रही, उससे पहले सुलेखा दलाल जी ने एक बहुत बड़ी तीज यहाँ पर दिखा दी है और दिखा दिया है कि तीज त्योहार अब भी जिंदा है अगर भाईचारा कोई मनाना चाहे तो। ठीक बात है ना मैडम जी? बिल्कुल। अंत में दर्शकों को क्या कहना चाहोगे? दर्शकों तक मैं यही संदेश देना चाहूंगी, भाइयों और बहनों प्यार बनाए रखो जी। और अगर ये जैसे आज आपको प्यार दिखा है ना, यही प्यार अगर हमारा बनता रहा और रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हमारा देश दोबारा से सोने की चिड़िया होगा। अच्छा मैडम एक छोटा सा सवाल और पूछ लेते हैं, अभी तक तो सुलेखा दलाल है समाज में और सोशल मीडिया पे ही काम करती है, अगर हमारी मतलब हमारे समाज ने मौका दिया क्या आगे और समाज में भी योगदान देने के लिए? देखो मुझे किसी भी धर्म जाति ऊंच नीच जी, गोरे काले से अमीर गरीब से मुझे कोई मतलब नहीं है जी, मुझे सिर्फ प्यार है और इस प्यार की इस ताकत में अगर मेरे किसी भी बहन भाई को मेरे देशवासियों को अगर आपकी लाडली सुलेखा दलाल की कहीं भी जरूरत पड़ती है तो मैं आधी रात को भी तैयार हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। सुलेखा दलाल जी के लिए एक पॉजिटिव कमेंट कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है ये आपने ही भरना है, और जो ये आज तीज मिली यहाँ जो आज तीज मनाई गई है और ये प्यार प्रेम जो मिला है इसके बारे में क्या कहना चाहोगे वो अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना। जय हिंद जय हरियाणा।